हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के बोल सकते हैं साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर है, चैप्टर फिफ्थ है हमारे पास, बोल सकते हैं एक्स्ट्रा बुक्स में आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले जिसका नाम है डोबनेट रेट। डोबनेट रेट ने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस लाए पीरियडिक टेबल के कॉन्सेप्ट में, या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो एलिमेंट्स होते थे उनकी सेम ग्रुप को, सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक साइड में एक ग्रुप में रखा जाता था, उन ग्रुप को फैमिली बोला जाता था। लेकिन आफ्टर 1829 के बाद हम अपना जर्मन बोल सकते हैं जर्मन के केमिस्ट डोबनेर आए, जिन्होंने क्या किया, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कुछ एलिमेंट थे उनके सेपरेट ग्रुप बनाए जिसका नाम उन्होंने ट्रायड रखा। एक ग्रुप में तीन एलिमेंट थे इसलिए उनका नाम ट्रायड रखा गया। वो तीन एलिमेंट के उन्होंने कितने ग्रुप बना पाए, टोटल वो तीन ही ग्रुप बना पाए। वो तीन ग्रुप कौन कौन से थे जो कि हम अपनी बोल सकते हैं वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहेगा, अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो तीन ही ग्रुप बना पाए, किसके बेस पर बनाए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एक एक सेपरेट ग्रुप में रखे गए, जिन ग्रुप का नाम ट्रायड रखा गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डोबनेर पहले ही ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर्टी के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे अलग अलग बोल सकते हैं ट्रायड्स बनाए। तो देखते हैं डोबनेर ट्रायड्स को, जो बोल सकते हैं ये लॉस था क्या, काफी इंपॉर्टेंट लॉस था। सबसे पहले ये लॉस डिस्कस करते हैं, देन उनके ट्रायड को देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं उनका लॉ क्या है। डोबनेर के लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने देख लिया डोबनेर ने क्या क्या हमें बताया, जैसे कि आपको पता है सिमिलर प्रॉपर्टीज के, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज करने वाला पहला साइंटिस्ट था बोल सकते हैं जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने 1829 में आके ये चेंजेस किए है। क्या डोबनेर को लोग कहते हैं कि ये मैंने थ्योरी भी यहाँ पे मेंशन कर दी जिससे कि आप एग्जाम में इसी थ्योरी को इन शॉर्ट लिख कर आएंगे, आपके मार्क्स फुल आएंगे। सो है क्या, देखिए, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर कोई भी आपके पास एटम वो एलिमेंट है, मान लिया तीन एटम है आपके पास, तीन एलिमेंट है, उनको आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उन्हें अरेंज कर दिया, जैसे कि टू इसका है, इसका फोर है, इसका सिक्स है, इंक्रीजिंग और एटॉमिक मास के बेस पर इंक्रीज हमने क्या बोल सकते हैं अरेंज कर दिया। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, तीन ग्रुप का एलिमेंट है जिसे डोबनेर ट्रायड ने क्या नाम दिया था, ट्रायड नाम दिया था, तीन एलिमेंट का एक फैमिली बनाई थी। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन, इनकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, चीज ध्यान रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैं चैप्टर फर्स्ट की डिटेल वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, मिड वाले का एटॉमिक मास, मिड वाले का एटॉमिक मास कितना है, फोर है, ठीक है। एलिमेंट इज ट्रायड इज बीइंग इक्वल हो जाएगा किसके, टू द एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन किसे बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड का सम अपॉन में टू, एरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू इक्वल, टू एलिमेंट, अदर टू एलिमेंट का एरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। चेक करें सिक्स और टू कितना होता है, एट, एट को टू से डिवाइड करेंगे फोर, फोर इक्वल टू फोर। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था डोबनेर ट्रायड ने, अब क्लियर हो गया है। लेकिन ऐसी पीरियडिक टेबल में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डोबनेर ट्रायड के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, मैं आपको बता दूं डोबनेर ट्रायड सिर्फ और सिर्फ तीन ही ग्रुप बना पाया। वो तीन ग्रुप कौन से है वन बाय वन देखेंगे, जो इस कॉन्सेप्ट को एरिथमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सो देखते हैं सबसे पहला ट्रायड कौन सा था। सो डोबनेर ने सबसे पहले जो ट्रायड बनाया वो बनाया एल्कली मेटल ग्रुप का बनाया, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का बनाया। सबसे पहले फर्स्ट वाले डिस्कस करते हैं, देन लास्ट वाले सेकंड और लास्ट थर्ड वर्ड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में एल्कली मेटल का जो ग्रुप बनाया डोबनेर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर थी तभी उसने ये ग्रुप बनाया। वो ग्रुप किन किन एलिमेंट का बनाया गया, तीन एलिमेंट को लेकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा था ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन ग्रुप का एक एलिमेंट, तीन ग्रुप के फैमिली। पहला एलिमेंट था हमारे पास लिथियम, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम, जिनके सिंबल क्या होते हैं, एल आई एन ए और के, ये उनके सिंबल होते हैं, ये उनके एटॉमिक मासेस होते हैं 7, 23 और 39। डोबनेर के एरिथमेटिक वाले कॉन्सेप्ट को अभी अप्लाई करेंगे, उससे पहले उन्होंने ट्रायड बनाया किस बेस पर, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो सेम होती इन तीनों में। सबसे पहली, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, सबसे पहली बात तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही एलिमेंट क्या है, मेटल है, इसलिए डोबनेर ने पहली केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी इसलिए उन्हें ट्रायड बना लिया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म एल्कलीज, तीनों ही अगर वाटर से रिएक्शन करते एल्कलीज बनाते हैं जिसे हम बोल सकते हैं कास्टिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, वाटर से रिएक्शन करके एल्कलीज बनाते एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। जैसे कि आप किसी को भी एनए की सोडियम की रिएक्शन करा सकते हैं H2O से, NaOH बनेगा और H2 गैस रिलीज हो गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोल सकते हैं एल्कलीज है, एक कास्टिक सोल्यूशन है। लास्ट वन केमिकल प्रॉपर्टीज जो इनमें मिल रही थी, ऑल ऑफ देम हैव ए वैलेंसी ऑफ वन, जिन्हें मोनोवेलेंट भी बोलते हैं, इनकी वैलेंसी वन होती है। कैसे, हम आपको थोड़ा सा डीपली बता दूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम थर्ड नंबर पर आता है, तो पहली क्लास में टू इलेक्ट्रॉन फिर वन। सोडियम का 11 होता है 281,
पोटेंशियम कितना होता है 19 होता है 2881 सबके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए इनकी वैलेंसी 1 होती है ये मोनोवेलेंट होते हैं। इनकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के बेस पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज उसने एक ट्रायड बनाया जिसका नाम रखा एल्कलीज मेटल ग्रुप जो कि ये ट्रायड था। अब हम देखते हैं डोबनर के जो अरिथमेटिक वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डोबनर का जो हमारा लॉ था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एटॉमिक मासेस के लिए। क्या था हमारे पास, देखो मैंने सेम जैसे एलिमेंट पीछे लिखे थे 23 और 39 तीनों एलिमेंट उनके एटॉमिक मास के साथ साथ लिख लिए। उसने बताया था फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन यानी कि दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो मिड वाले के इक्वल आएगा। ऐसा चेक करते हैं आता है नहीं आता है। 39 और 7 होता है 46, 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। देखो डोबनर का ये अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर बिल्कुल ठीक ही बैठा था इसलिए उसका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोल सकते सक्सेस हो गया था। अब देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का डोबनर ने जो सेकंड ट्रायड बनाया वो क्या है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी कॉमन है। सो देखते हैं हमारे पास सेकंड ट्रायड ऑफ डोबनर। डोबनर का सेकंड ट्रेड जिसका नाम क्या था एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि सिमिलर फर्स्ट के ज्यादातर सिमिलर ही था, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट की तरह ही थी। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये तीनों ही एलिमेंट क्या थे मेटल थे। कौन कौन से एलिमेंट थे, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम और बेरियम तीनों ही एलिमेंट थे। उनके सिंबल है CaSr और Ba, 40, 88 और 137 का एटॉमिक मासेस है। ये तीनों एलिमेंट क्या थे मेटल थे। ऑल इनके ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम, इन सबके जितने भी ऑक्साइड थे वो वाटर में बोल सकते हैं कैसे थे एल्कलाइन थे, मतलब बोल सकते हैं नेचर में कैसे थे वो एल्कलाइन थे। और हमारे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 2, सबकी वैलेंसी क्या थी 2 थी इसलिए डाइवेलेंट होंगे। वन वैलेंसी वाले क्या थे हमारे पास मोनोवेलेंट थे, डाइवेलेंट होंगे मतलब इनका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 20 होता है कैल्शियम का 2882 लास्ट में 2 आएगा इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब ट्रायड का ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बेस पर उन्होंने ट्रायड बना दिया लेकिन अरिथमेटिक वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो करता है नहीं करता है ये देखते हैं। तीन एलिमेंट सेम वैसे ही करते हैं 40, 88 और 137। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा अप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन 40 और 137 का अरिथमेटिक मीन बीच वाले के इक्वल आएगा क्या, ऐसा तो बोला था उन्होंने तो मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा ये 77 आएगा 77 ये 7 4371 अपॉन डिवाइड करेंगे से 88 के इक्वल ही आएगा अप्रोक्स है ना। सो कितना आएगा 2816.5 के अप्रोक्स आएगा तो जो कि हमारे पास बिल्कुल इक्वली था लगभग यानी बोल सकते हैं ये हमारे पास 89 भी हो सकता है ना। यस बिल्कुल मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वली था कोई चेंजेस नहीं है इतना। तो अब देखते हैं अपने डोमिनेंट ट्रेड का थर्ड वाला जो ट्रायड बना जिसे हैलोजन ट्रायड बोलते हैं वो क्या था, उसके तीनों एलिमेंट क्या था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी जो सेम थी। डोबनर ट्रेड का लास्ट ट्रेड देखते हैं जो कि तीन एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से थे और इसका नाम क्या था। इस ग्रुप का नाम था हैलोजन ग्रुप, हेलो का मतलब यहाँ पे सॉल्ट होता है, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ये हैलोजन ग्रुप हमारे पास बनाया गया था बोल सकते हैं, इसको 3 एलिमेंट लिए गए थे यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जिनके सिंबल ClBr और I होते हैं। इनके एटॉमिक मासेस 30.5, 35.5, 80 और 127 होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या सिमिलरिटीज थी जिनके बाद इन्हें ट्रायड के फॉर्म में लिखा गया एक फैमिली में। ऑल दीज एलिमेंट आर द नॉन मेटल, ये तीनों एलिमेंट नॉन मेटल थे। इन तीन एलिमेंट रिएक्ट करते थे वाटर के साथ और एक एसिड की फॉर्म बना दिया करते थे। ऑल दीज एलिमेंट हैव द वैलेंसी ऑफ 1, ये भी मोनोवेलेंट थे, वैलेंसी इनकी भी 1 होती थी। जैसे क्लोरीन आपको पता है 17 नंबर पर होता है 287, 1 की रिक्वायरमेंट है तो 1 वैलेंसी है। ब्रोमीन हमारे पास इसमें भी 1 और ये भी 1। सो होप सो ये कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल वैलेंसी वाला तो क्लियर होगा, नहीं भी पता है तो डिटेल वीडियो मैंने इसका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बना रखा है वहां से आप देख सकते हैं। फाइनली हम अरिथमेटिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ये हमारे पास कितना है 35.5 है ठीक है, दूसरा 80 है और 137 है, 127 सॉरी। अब चेक करते हैं 80 आएगा नहीं आएगा दोनों का सब, 127 प्लस 35.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते और कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। इसका सम हमारे पास आएगा 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 162 का होता है 81.5 हमारे पास आ गया। सो देखो 80 के अप्रोक्सीमेटली इक्वली ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन वाला भी फॉलो करता था, इतने छोटे को माइंड नहीं करना है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना। सो हमारे पास ये 88.25 आएगा ना हमारे पास। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ ट्रायड्स की बेसिक डिटेल हुई, डोबनर ने जो जो ट्रायड बनाए थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप का ट्रायड होता है डोबनर ट्रायड का उनके चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डोबनर ट्रायड का एलिमेंट नहीं है। तीन तो ये लिखे होंगे, फ्लोरीन भी लिख देगा जबकि फ्लोरीन इसमें कॉन्सेप्ट में नहीं था। तो आपको एमसीक्यूज के बेस पे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि इसके बोल सकते हैं एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या थे एक तरीके से और
इससे रिमेनिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते इस पार्ट को इरेज करने के बाद, है ना। डॉबनियर लॉ की डॉबनियर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन देखना काफी ज्यादा जरूरी, एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। डॉबनियर ट्रेड का जो भी क्लासिफिकेशन है, जो लॉ है, उसकी लिमिटेशन एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। सो होती क्या लिमिटेशन, ठीक है क्या क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले लिमिट, इट फेल टू अरेंज द ऑल ऑफ नॉन एलिमेंट, जितने भी तब तक जितने भी एलिमेंट के बारे में लोग जानते थे, जितने भी एलिमेंट का पता था या डिस्कवर हो चुके थे, उन सबको ये ट्रायड की फॉर्म में नहीं अरेंज कर पाया। सबसे पहली इसकी बोल सकते हैं लिमिटेशन ये थी, डिसएडवांटेज ये थी कि ट्रायड की फॉर्म में सारे एलिमेंट को नहीं बना पाया, सिर्फ ये तीन ही हमारे पास। सेकंड नंबर पास यही थी, डॉबनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, 3 ही ट्रायड बना पाया, जितने भी केमिकल सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे 3 ट्रायड बना पाया, उसके बाद और ट्रायड नहीं बन पाया। इसलिए इसका जो डॉबनियर ट्रायड की क्लासिफिकेशन थी वो ज्यादा ही बोल सकते हैं सक्सेसफुल नहीं रही। ये दोनों लिमिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के लिए। आई होप सो आज की वीडियो में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट, सारी कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनकी क्लासिफिकेशन चाहे रूल्स है एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।